नमस्कार बच्चों, मैं चंदन सिंह फिर से आज आप लोगों के लिए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 ले गया हूँ। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने इससे पहले सारा लेक्चर देख लिया हूँ, बिकॉज यदि आप पीछे का लेक्चर नहीं देख पाओगे तो इस लेक्चर में भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो आज जो हम लोग कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो रॉल्स लॉ पढ़ा था ना। रॉल्स लॉ किसके लिए पढ़ा था भाई? हैं, तो रॉल्स लॉ जो पढ़ा था हम लोगों ने, तो देखो हमारा जो विलेय और विलायक था दोनों किस टाइप का था? विलेय और विलायक जो था हमारा दोनों, उसमें वोलेटाइल था। इस बार हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे, किसका? एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें विलेय हमारा क्या होगा, सॉल्यूट विलेय जो होगा हमारा वोलेटाइल होगा, बट हमारा जो विलायक जो होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, क्या द वेपर प्रेशर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अब देखो सॉल्यूट कहने मतलब है ऐसा विलयन हम लोग लेंगे, ऐसा विलयन लेंगे और ऐसा कि उसका जो आंशिक बाष्प दाब जो बनेगा, आंशिक बाष्प दाब क्या होगा, जब हम एक विलायक में आंशिक बाष्प दाब क्या होगा, जब हम एक मान लीजिए हम लेते हैं विलय, ये हम लेते हैं विलायक, हमने क्या कहा विलायक जो हम लेते हैं वो कैसा लेते हैं हम लोग विलायक को, हम लोग किससे डिनोट करते हैं ए से। अभी हमने मान लेते हैं कि विलायक है, ठीक है, किस टाइप का ए लेते हैं, चलो ए है है ना। तो इस सतह के बाद उसके बाद क्या होगा, यहाँ वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो विलायक हमने लिया है, क्या लिया हमने, वोलेटाइल लिया है। वोलेटाइल, वोलेटाइल मीन्स क्या होता है भाई, जिसका मतलब कि जिसका बाष्प दाब बनता है, जो बाष्प दाब क्रिएट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। जो नॉन वोलेटाइल होता है उसमें क्या होता है, वो उसकी टेंडेंसी जो होती है वो बाष्प दाब क्रिएट नहीं कर सकता, वो बाष्प दाब नहीं बनाता है। मतलब कि देखो इसमें कौन होता है, जो हमारा जो द्रव्य होता है, द्रव्य जो होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा ना। और नॉन वोलेटाइल जो मान सको यहाँ पे एक बी लिया मैंने, ठीक है, इसका तो बनेगा ही नहीं बाष्प दाब, क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। हमने मान लीजिए विलेय जो लिया है, विलेय को हमने क्या लिया है, बी, इसका जो बाष्प किया है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल होने के नेचर से, नॉन वोलेटाइल होने के वजह से क्या होगा, ए इसमें बाष्प दाब जो होगा जो नहीं बनेगा। क्या मैंने कभी बताया ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि उस फोर्स कितने जोर से उसको जकड़े हुए, जितने जोर से जकड़ेगा वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तो अब देखो ठोस है, ठोस क्या मैंने से पूछिए इसमें बाष्प बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो देखो ये जो मार्कर है हमारा, सपोज मैंने व्हाइट बोर्ड हमारा ठोस है, इसमें बाष्प दाब बनेगा, तो ये जो क्या होता है ठोस होता है, क्या होता है, नॉन वोलेटाइल जो होता है ठोस होता है। अब देखो इसके एग्जांपल देख लो, वोलेटाइल में कौन कौन से हम लोग बेसिकली आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, नॉन वोलेटाइल में देखो क्या क्या, नॉन वोलेटाइल में देखो तुम्हारा होता है यूरिया होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज सुक्रोज होता है, ठीक है, ये सब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अब यूरिया है लिखा हुआ है ना, यूरिया है ना, यूरिया के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO और NH2। सुक्रोज का क्या होता है भाई, सुक्रोज का क्या होता है बताओ, सी क्या होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का, सुक्रोज का क्या होता है, ग्लूकोज का ना होता है भाई। चलो ठीक है, तो सुक्रोज ये सब का आपको क्या आना चाहिए, आप लोग को ये सब का मतलब ये आण्विक द्रव्यमान निकालने आना चाहिए, ठीक है, आण्विक द्रव्यमान आपको आना चाहिए निकाल, तभी जाके आप उसका क्या निकाल पाओगे, मोल प्रभाव निकालोगे, तभी तो आपको जाके सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, तभी तो बन पाएगा। अब देखो ठोस में हम लोग ये सब जहाँ लिखा हुआ रहेगा, कहने का मतलब है वो क्या होगा, वो जो नॉन वोलेटाइल होगा, तो वो इस तरीके से उसको हम लोग सोल्व करेंगे, जो अभी यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे उसके मेथड से। और इससे पहले जो था दोनों में हमारा, अब देखो वोलेटाइल में क्या क्या हो सकता है, देखो वाटर होता है, जल वाटर हो सकता है, जलीय विलयन हो सकता है, जल वाटर, मीथानोल हो सकता है, क्या मीथानोल, हिंदी इंग्लिश बहुत सेम ही लिखाता है इसमें,
मिथानोल, इथानोल हो सकता है, ओक्टेन हो सकता है, ये सब सारा क्या है हमारा वोलाटाइल है जो दौर वाली बेसिकली हम लोग यू बेंजीन हो सकता है, बेंजीन होता है ना बेंजीन, उसको टोलिन हो सकता है, ये सब सारा क्या है आपका बेंजीन टोलिन, ये सब सारा क्या है हमारा वोलाटाइल है, ये है नॉन वोलाटाइल। तो आपको यदि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहे कि 10 ग्राम जलीय विलयन में यूरिया को घोला गया और उसका आंशिक दाब, मैंने वो दिया कि आपको आंशिक दाब आपको निकालना है सॉल्यूशन का मतलब विलयन का, और उसमें दे रखा है कि मानिए पी नॉट ए मतलब कि जो स्थिर जो स्टार्टिंग में जो प्रेशर है दे दिया आपको, तो उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है देखते हैं क्या होता है। चलो समझ में क्या था, जैसे इस हमारा सॉल्यूशन था इस चीज का बना हुआ था, अभी बताया मैंने एक सॉल्यूट था हमारे पास, और सॉल्यूट मतलब हमारा विलेय था, और दूसरा था हमारा विलायक, यही था ना। अब जो विलेय मैंने लिया था वो क्या लिया था हमने वोलाटाइल, इसको नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है ठोस लिया था, यहाँ पे हमने पदार्थ जो लिया ठोस लिया मतलब जो घटक लिया हमने, जो विलयन बनाया हमने यहाँ पे, विलयन क्या होता है हम लोग की द्विअंगीय विलयन के बारे में केवल पढ़ेंगे, तो द्विअंगीय विलयन के पढ़े बारे एक विलेय लिया एक विलायक लिया। अब इस विलेय और विलायक में मैंने बताया क्या, मैंने बताया था पहले ही आपको कितने टाइप के क्या क्या हो सकते हैं, तो एक यहाँ पे ठोस है ठीक है, तो यहाँ पे हमने द्रव लिया, इस टाइप के बारे में पढ़ा जो मैंने कल द्रव और द्रव का मैंने कल आपको बता दिया है, ठोस ठोस का हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें आंशिक ये तो हमको दे गए हैं ना, वास्तव बनाता ही नहीं ठोस, इसलिए ठोस ठोस का हो ही नहीं सकता, इसलिए जब हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा तो इसलिए यहाँ पे हम हमें वास्तव देगा, क्योंकि इसमें एक हम लोग क्या द्रव डाल रहे हैं मतलब वोलाटाइल डाल रहे हैं, वोलाटाइल घटक डाल रहे हैं, इसलिए क्या होगा हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें वाष्प दाब अवेलेबल होगा। यदि दोनों हमारा नॉन वोलाटाइल रहेगा, दोनों यदि हमारा ठोस रहेगा तो उसका वाष्प दाब बनेगा नहीं, तो कहने का मतलब इसका जो वाष्प दाब यहाँ पे बनेगा वो कितना होगा जीरो होगा, क्या होगा वाष्प दाब जो होगा वाष्प दाब जीरो होगा, क्योंकि जीरो वोलाटाइल वाष्प दाब बनाता है, नॉन वोलाटाइल जो होता है वाष्प दाब बनाता है, मतलब यदि ठोस है हमारे पास तो वाष्प दाब नहीं बनेगा, ठीक है समझ में आ गया वो। चलो तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ड्रॉप करते हैं कैसे, तो ऐसे एक क्लोज कंटेनर है ठीक है, हमारे पास विलेय है ना, विलेय मैंने ए माना है, इसको क्या है वोलाटाइल है, क्या है वोलाटाइल है ठीक है, और एक दूसरा बी है ठीक है, तो जीरो होगा क्यों, क्योंकि विलायक जो है मैंने सॉरी विलायक, हाँ विलेय को चलो बी मान लो, विलायक इसको लो, विलायक इसको लो, इसको भी ले लो, भी ले हमारा नन वोलाटाइल, नन वोलाटाइल है, नन वोलाटाइल, नन वोलाटाइल है विलेय हमारा है, तो इसका मतलब इसका जो जो प्रेशर जो जो स्थिर प्रेशर होगा स्टार्टिंग हमारा इसका विलेय का वो क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि तो प्रेशर बनाता ही नहीं है, वाष्प दाब बनेगा ही नहीं, तो वाष्प दाब नहीं बनेगा तो इसका क्या होगा जो प्रेशर होगा स्टार्टिंग का वो कितना होगा जीरो होगा, बस यही तो है। चलो आगे देखते हैं हम, अब हमने कल पढ़ा था क्या, तो इसका मतलब क्या होता है इसमें जो होता है कि ऐसे होता है, इसको यदि मतलब बोला जाए तो ये ऐसे फॉलो करता है कि कल मैंने पढ़ा था राउल्स लॉ, क्या जो इसका जो मतलब कि क्या जो वेपर प्रेशर जो होता है पी नॉट ए जो होता है पी नॉट ए पी ए जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी नॉट ए के होता है ना, तो हम लोगों ने कल निकाला था पी एच कल टू के कॉन्स्टेंट दिया था पी नॉट ए दिया था ठीक है, है? अब के को मैंने माना था कि इसके लिए प्योर मतलब कि हमारा कि प्योर पदार्थ है उसमें मतलब कि, तो हमने माना था कि यहाँ पे एक्स ऑफ बी मैंने मान लिया था कितना जीरो, तो जाके यहाँ पे हमारा पी एच कल टू हम लोग क्या निकाले थे पी नॉट ए इंटू एक्स ए कल मैंने पढ़ा था। अब देखो इसमें इस वाले टर्म में यहाँ पे क्या होगा, अब देखो हम लोग जानते हैं कि मोल प्रभाज का यदि दो हमारे पास विलेय और विलायक है तो मोल प्रभाज कितना होता है वन होता है, तो मोल प्रभाज जब ए क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स ऑफ बी होगा मोल प्रभाज ऑफ बी, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकता है यहाँ पे वैल्यू क्या कि पी ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा पी बी, हमारे पास पी ए कितना पी नॉट ए
इंटू वन माइनस एक सौ जी, हम लोग लिख सकते हैं ना वन माइनस एक सौ जी है। अब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन वन माइनस डब्ल्यू वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ, सॉरी वेट ऑफ बी नहीं आएगा ना, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यही तो होगा, समझ में आ रहा है। एक फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करें, कब जब हमारे पास यदि किसी द्रव को हम लोग जब ठोस में मिलाएंगे तब इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे देखें, अब इसको ऐसे भी यहाँ पे हम लोग यूज किया है, यहाँ पे आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखो क्या तो पी ए है ना जी, तो पी नॉट ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी नॉट ए इंटू एक्स भी आ गया, पी नॉट ए इंटू एक्स भी आ गया, पी ए वन माइनस एक्स बी है ना। अब तो इसको इधर लेके आ जाए, इस क्रम को हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, चलो इसको कंसिडर करते हैं हम, तो इस क्रम को हम लोग इधर लेके आते हैं क्या, तो पी नॉट ए और एक्स बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस साइड इधर तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए होगा ना, तो अब यहाँ से एक्स बी पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, समझे, ये वाला हो गया। कहने का मतलब है कि देखो क्या होता है, अब देखो एक टर्म तुमको दिख रहा है क्या, तो हम लोगों ने ये वाला जो है पी नॉट ए जो है वो क्या है हमारा, जो हम लोग स्टार्टिंग में जो हमने ले लिया था विलायक जो लिया था उसका क्या है, बाष्प दाब है, कब वो स्थिर कंडीशन में, मतलब उसका बाष्प दाब है स्टार्टिंग में, कि क्या उसका बाष्प दाब है स्थिर कंडीशन में, प्योर मतलब शुद्ध, हाँ शुद्ध अवस्था, हाँ। तो क्या था पी नॉट ए जो है वो क्या है, उसका बाष्प दाब है किसका, तो ए का, मतलब हमारा जो विलय होगा उसका बाष्प दाब कब शुद्ध अवस्था में, तो हम लोग लिख सकते हैं शुद्ध अवस्था, विलायक का शुद्ध अवस्था में, विलायक का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है हो गया ना। अब पी ए जो है वो क्या है, ये तो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब ऑफ ए, आंशिक वाष्प दाब ऑफ ए। अब देखो एक चीज में जो हमको मैं बता रहा था आपके लोगों कि हमारे पास एक था पी डॉट ए था ना, पी डॉट ए प्लस यहाँ पे वो जो है पी भी है उसका तो जीरो ही होगा, ये सॉल्यूशन है हमारा जो पी ए देगा, पी भी तो देगा ही नहीं ना, पी ए प्लस पी भी यहाँ देगा नहीं, टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का निकलेगा वो इससे निकलेगा। अब क्या आप हमें बता सकते हो जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर निकल रहा है, तो इसका प्रेशर जब यहाँ पे जब इसमें बोला डन बोला टाइल जब हम डाल रहे हैं, मतलब कहीं मतलब ठोस जब हम डाल रहे हैं विलय के रूप में, तो क्या उसका जो बाष्प दाब होगा वो घटेगा बढ़ेगा या वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम यहाँ पे द्रव में यदि एक ठोस को डाल रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यदि पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, ठीक है देखो क्या पड़ेगा, यदि यहाँ पे माने गए ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो ए यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे यहीं से तो हमारा वाष्प दाब बनता है इसी सरफेस से, जितना यहाँ पे ए जो वाष्प दाब ऐसे ऐसे बनना स्टार्ट होता है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए भी है बी भी आ गया, ए भी है क्योंकि जब बी को हमने मिलाया आया तो, बट लेकिन हमारा बी जो है वो नन वोलाटाइल है, कहने का मतलब हमारे पास ठोस है, तो क्या होगा ये प्रेशर नहीं बना पाएगा, तो हमारे पास देखो कितना बना है, ए ही बना पाएगा इतना स्पेस बेकार में चला गया हमारा, ये बनाएगा बात इतना ए बनाएगा लेकिन बी हमारा नहीं बनाएगा, कहने मतलब जितना बनना चाहिए था उससे कम, मतलब जितना यहाँ पे बन रहा है उससे कम यहाँ पे बन रहा है, तो कहने का मतलब क्या होगा जो पी नॉट ए का जो प्रेशर होगा वो हमेशा सॉरी पी नॉट ए का प्रेशर हमेशा बड़ा होगा किससे, पी ए से, कहने का मतलब आंशिक जो बात का हमारा जो सॉल्यूशन का होगा, कहने का मतलब है वो किससे हम लोग का इससे हमारा क्या होगा कम होगा, ठीक है अभी बताएंगे जब एग्जांपल लेंगे तो क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इतना हो गया डन, अब यहाँ पे एक चीज और कहना चाह रहे हैं क्या, कि देखो यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, हमने स्टार्टिंग में लिया था ये वाला प्रेशर, ये वाला हमारा फाइनल का प्रेशर है, तो अभी फाइनल में से हम इनिशियल घटा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लोअरिंग, मतलब उतना घट रहा है ना उतना प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब का घटना यहाँ पे हुआ, लोअरिंग हुआ इसका,
इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या डिवाइड हम लोग किससे किया, पी डॉट ए से, जो स्टार्टिंग का था उसी से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो वाष्प दाब है घट रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आर एल जी पी। ठीक है, बताएंगे हम इसी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे पूरा कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में। अभी अभी आदर्श और अनादर्श आपको बिलियन पढ़ना है, मतलब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन गैस, उसके बाद आपका एक्सरसाइज इंड हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी इन गैस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे तो देखते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं हम लोग आर एल जी पी, ये बताएंगे हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, नोट करें। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे बी क्या है हमारा मूल प्रवाह जो, अब देखो क्या क्या यहाँ पे है लिखा हुआ। मैंने बताया ए जो है वो आंशिक है, पी नॉट ए हो गया। अब एक सब बी मतलब कि मूल प्रवाह जो किसका है भाई, तो मूल प्रवाह बिले, बिले में ले लिया था ना, मूल प्रवाह बिले का। अब समझ में आ गया क्या क्या है, कौन क्या है। P नॉट A जो है हमारा जो विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब रहेगा, मतलब कि सॉल्यूशन में मिलाने से पहले जो वाष्प दाब हमारा होगा वही हमारा क्या होता है P नॉट A, मतलब कि इनिशियल जो वाष्प दाब बनेगा। उसके बाद पी ए मैंने लिया आंशिक वाष्प दाब, उसका क्या होगा जब हम सॉल्यूशन में जब मिला देंगे उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा उसको हम लोग आंशिक वाष्प दाब होते हैं, कभी मैंने बताया था। तो वो हो गया पी ए आंशिक। और एक्स बी मतलब कि मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बी बी हमने किसको माना था भाई, अभी मैंने माना था ना पहले भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था बिले और बिलाट। हाँ, और एक चीज़ और, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आपको स्टार्टिंग का लेक्चर आप लोग को देख लेना चाहिए, यदि आप स्टार्टिंग का लेक्चर देख जाएंगे तभी इस लेक्चर को समझ पाएंगे। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हाँ, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उनके लिए इंग्लिश मीडियम में वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ से यदि चेकआउट करते लगभग 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जो भी मैं पेजेस बताते रहता हूँ टॉपिक बाय टॉपिक ही, वहाँ टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा और नोट्स भी मैं डाल दूंगा आपको, वो जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आपको पिछला लेक्चर देखना है तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर भी सर्च कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इतना समझ में आया आपको क्या है क्या नहीं है, ये कब है जब इनिशियल वेपर प्रेशर, हम लोग का एक्स भी तो हमारा जो हम जो वेपर प्रेशर जो स्टार्टिंग का जो किसका है ए का है, बी का क्या होगा जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा ठोस है मतलब कि नॉन वोलेटाइल है, ठोस है जो वाष्प दाब बनाएगा ही नहीं हमारा। समझ में आ गया इतना, गुड, चल फिर इतना ही आज समझना था। अब इस पर हम लोग नंबर देखते हैं, ये भी रॉल्स का ही लॉ था क्या, मैंने कल ही बताया था ना रॉल्स का लॉ क्या बताया था कि बिलियन एक बिलियन, ठीक है, उसमें थी कल मैंने जो पढ़ा था कि वोलेटाइल दोनों हमारा क्या था ठोस ठोस को यदि हम लोग मिला रहे थे तो उसका जो मोल प्रभाव था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके आंशिक आंशिक वाष्प दाब का, आंशिक वाष्प दाब का, देखो क्या क्या हमने पढ़ा है, हमने देखो आंशिक वाष्प दाब का क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर, यही था ना। तो मोल ए इक्वल टू हमने क्या निकाला था पी नॉट ए इंटू एक्स, सिमिलरली इसी तरह पी बी इक्वल टू निकाला था P नॉट B इंटू एक्स बी। और आज हमने पढ़ा इनिशियल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल, जो हमारा फाइनल वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बिले, नॉट विलायक, बिले, और ये क्या है विलायक है, ठीक है, विलायक का प्रेशर, ये विलायक का प्रेशर हमारा सॉल्यूशन फाइनल आंशिक वाष्प दाब। समझ में आ गया होगा, तो चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक सॉल्यूशन है, चलो एक क्वेश्चन, इसमें वोलेटाइल है इसमें नॉन वोलेटाइल है, कहने मतलब है यहाँ वाटर है, ठीक है, और अब हाँ पहले आपको समझ में आया ठोस कौन कौन से द्रव कौन कौन से, मैंने बता दिया था आपको वोलेटाइल कौन होंगे नॉन वोलेटाइल कौन होंगे, मैंने बताया था ना अभी मिथाइल इथाइल हाँ मिथानोल इथानोल मैंने बताया, बेंजीन बताया था, टोलिन बताया था, वाटर बताया, ये सब सब हेप्टेन ओक्टेन ये सब क्या है सारा हमारा क्या है वोलाटाइल है, मतलब कि वाष्प बनाएगा हमारा द्रव, ऐसा द्रव है
जो बास बना सकता है, तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वही सब एग्जाम्पल आपको बुक्स में दिए हुए हैं और जो भी आपके बोर्ड से एग्जाम है उसमें भी यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, चलो एक एग्जाम्पल देते हैं कि वाटर का है, ठीक है। इसका जो हमें वाटर का दे दिया, हमें पी नॉट ए दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल लिया है, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पे यूरिया लिया है, यूरिया दे रखा है यहाँ पे, यूरिया कितना ग्राम, तो 60 ग्राम दे दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि पी ए का वैल्यू क्या होगा। तो अब यदि हम लोग, यदि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि देखो ये क्या हो गया, वाटर क्या है हमारे पास, द्रव, ये हमारे पास क्या है, ठोस, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा वोलेटाइल हो गया ना, ये हमारा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इस वाले में हम लोग क्या यूज करेंगे, अभी मैंने बताया था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या होगा, पी नॉट ए इक्वल टू एक्स पी। अब देखो इसमें ए भी क्या है, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, आपको समझ में आना चाहिए। हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो हमारा कौन है, चलो वाटर का, हाँ वाटर को मान लेते हैं, 90 ग्राम दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, वाटर में लिया है, तो हमारा ये क्या, हमारा सॉल्वेंट है, मतलब कि हमारा ये विलायक है, ठीक है, यही तो विलायक है, ये हमारा विलेय है, विलेय क्या है हमारा, देखो ठोस है ना, ठोस इतना दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में। अब इससे हम पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का आंशिक वास्तव क्या होगा, मतलब विलयन का आंशिक वास्तव क्या होगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये तो चलो यहाँ पे विलेय विलायक ये वाली, यहाँ पे ये वाली, ठीक है, चलो इसमें हम बताते हैं H2O था, ठीक है। अब ये वाली इसका तो क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा क्या होगा, जो इनिशियल वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ठोस है, ठोस का कभी वास्तव बनाएगा ही नहीं। चलो बनाते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्व करने के लिए देखो दिया हुआ पी नॉट ए दे दिया हमारा, एक्स बी निकालना है, मोल्स ऑफ विले निकालना है, तो मोल्स ऑफ विले इसका तो क्या हो जाएगा, एच बी अपॉन एन ए प्लस एन बी कितना हमारा, मोल्स ऑफ बी निकालने की मतलब इसका 60 ग्राम, और यूरिया क्या होता है, NH2CO और NH2, इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 60 मॉलिकुलर वेट, मतलब आणविक द्रव्यमान निकालो 60, ये कितना आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब कितना हो गया, मोल्स ऑफ ए कितना आ गया हमारा, मोल्स ऑफ यूरिया जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया, 60 कौन 60 1, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ 1 लिख दो। अब देखो मोल्स ऑफ हम लोग ए निकालते हैं, मतलब कि हमारा वाटर का H2O कितना है, 90 ग्राम दे रखा है, गिवन मास 18 कितना होता है, 90 18 आंशिक आणविक द्रव्यमान 5, मतलब इसका हो जाएगा कितना, 1+5, मतलब पहले मतलब कितना आ जाएगा, 1/6 हो गया। अब उसमें फॉर्मूले में पुट करो, पी नॉट ए हमारा देखो दे रखा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इसका टू कितना, एक्स बी। अब देखो क्या है, पी नॉट ए हमारे पास क्या है भाई, पी नॉट ए है जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 50 mm माइनस पी ए। अब आप हम लोग को हमको बता सकते हो कि इसका जो फाइनल जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो इससे ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ ज्यादा होगा या कम होगा या फिर उसको बराबर होगा, क्योंकि तो जो नॉन वोलेटाइल है यहाँ पे हमारा ये वाली ये ठोस, ये तो प्रेशर बनाएगा ही नहीं, तो जितना यहाँ प्रेशर था उतना यहाँ पर सॉल्यूशन के पास होना चाहिए, नहीं मैंने बताया अभी इधर पहले कि जब हम लोग उसमें से जब हम उसमें ठोस डालते हैं तो क्या हुआ, वो वेपर प्रेशर को क्या करता है हमारा, घटा देता है, मतलब आंशिक वास्तव को क्या करेगा, वो उसको डिक्रीज कर देगा, कहने का मतलब जो हमारा जो आएगा निकल के फाइंड आउट जो होगा वो 50 से कम आएगा, ठीक है। चलो वही बताना चाह रहे हैं, ये हो गया इतना अपॉन कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6, तो यहाँ पी ए चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस पी ए इक्वल टू 1/6 इंटू 50, मतलब 25/3 हो गया ना, तो पी ए उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 - 25/3, जो मल्टीप्लाई करो तो 150 - 25/3, तो यहाँ से हम लोग लिखो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 125/3, 3×12=41 और 3×12=4 3×2=0 18 क्या है प्योर में दिया था मैंने एम एम में देखो उससे कम आया ना ये आपका वैल्यू 41.66, तो कितना था 50, तो कहने का मतलब क्या है समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हमारा हो सकता है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ चलो
16 ग्राम जल में C12, H22, O11 मतलब सुक्रोज बुलाने से बने विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, यदि जल का वाष्प दाब दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। चलो तो निकालो। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कौन हमारा किस टाइप का हमारा ये सॉल्यूशन बनेगा, तो किस टाइप का बनेगा ये जल दे रखा। एक चलो हम भी ले लेते हैं और दूसरा हमारा क्या लेंगे, विलायक। यही तो लेंगे, विलायक हम लोग ए से मानते हैं और विलेय को हम लोग बी मानते हैं, ठीक है, यही मानते हैं ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग विलायक जो है जल है, ठीक है, और विलेय जो है हमारा कितना ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम, और इसके लिए दे रखा है देखो पीनोड ए भी दे रखा है, पीनोड ए दे रखा है कितना 760 mm HG दे रखा है ना। अब देखो इसका विलेय जो है हमारा वो क्या हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज है ना, विलेय सुक्रोज क्या है तो C12 H22 और O11 यही होता है ना, और वाटर क्या होता है H2O। अब देखो इसका हमें वेट दे रखा है कितना, तो 2 ग्राम। इसका पी नोड बी क्या है, नहीं दे रखा है, तो क्या होगा बताओ, बता दो क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ठोस है, ठोस वाष्प बनाएगा ही नहीं, इसका वाष्प दाब कहाँ से होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है ना इसको, चलो नहीं भी हम लोग इसको कहते जब 0 हो गया कहने को तभी क्या हमारा हो गया, हमारा ठोस हो गया, वाटर क्या हमारा द्रव है, तो किस टाइप का मिक्सचर हो गया, कहने को तभी हमारा क्या हो गया, नन वोलाटाइल, ये क्या हो गया हमारा वोलाटाइल हो गया ना, वोलाटाइल सब्सटेंसेस मतलब घटक, ये नन वोलाटाइल घटक हो गया। अब दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मोल प्रभाज ऑफ बी, मतलब बी हमारा कौन है, देखो विलेय है, ये विलायक है। चलो बनाते हैं इसको हम लोग, अब इसको बनाने के लिए हम लोग को देखो पी नॉट ए दे रखा है, अब पी ए हम लोग को निकालना है, और एक्स बी हम लोग को हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ए है हमारा विलायक और बी जो है हमारा क्या है, विलेय है। तो चलो मोल्स निकालो इसका, और ए का निकालो मोल्स, वो ए का है विलायक है, तो जल का मोल्स निकालो, 16 ग्राम दे रखा है, 18 इसका होता है आणविक द्रव्यमान, 16 + 1 = 2 मतलब 16 × 18 इतना हो गया। अब मोल्स ऑफ बी निकालो हमारा, बी का कितना होगा था, इसका वेट दे रखा है 2 ग्राम, इसको कैलकुलेट करो क्या, तो सी इसका कितना होगा, आणविक द्रव्यमान सी टू वेल 12 × 6 अधिक 12 होता है ना, तो बराबर है 144 से 144 हाइड्रोजन।